नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे सामने है। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो, इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन ए बेंच एट ए स्मॉल टाउन रेलवे स्टेशन व्हाइल ए ट्रेन स्टॉप एट प्लेटफॉर्म विद पीपल ट्राइंग टू गेट डाउन ऑफ ट्रेन। देयर इज अ सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉल टू योर राइट एंड द ट्रेन इंडिकेटर इन योर फ्रेम ऑफ व्यू। Draw the scene in pencil as you would see with at least five pupils in your sketch doing different activities। ठीक है, तो जैसा कि आप पढ़ समझ गए हैं कि आप एक स्मॉल टाउन रेलवे स्टेशन की पर एक बेंच पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई है प्लेटफॉर्म पर और लोग ट्रेन से उतर रहे हैं और वहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक स्टॉल है जो कि आपके सीधे हाथ की ओर है ना, और ये एंड द ट्रेन इंडिकेटर इन योर फ्रेम ऑफ व्यू, और ट्रेन इंडिकेटर भी लगा हुआ है। या ट्रेन इंडिकेटर से क्या सेंस है मेरी समझ में नहीं आया अभी, कि ट्रेन इंडिकेटर के दो प्रकार से कह सकते हैं हम, क्या देखते हैं। ड्रॉ द सीन इन पेंसिल एज यू वुड सी विथ एट लीस्ट फाइव पीपल्स इन योर एक्टिविटी। पांच लोगों की एक्टिविटी भी दिखानी है, डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने समझ आएगा कि स्टेशन बनाना है, स्टेशन का एक सीन बनाना है ना। और ये याद रखने वाली बात ये कि सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉल जो है वो आपके राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये तो डिसाइडेड हो गया कि राइट हैंड साइड स्टॉल है। ठीक, ये हम स्केच बना रहे हैं तो इस स्केच में राइट हैंड साइड ये है, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस साइड हमारा स्टॉल आना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये वो लाइन है जिसको कि हम आई लेवल कह सकते हैं, हॉरिजॉन लाइन कह सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हमें इस साइड स्टॉल बनाना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्रेन दिखानी है, तो यदि हम सेंटर से इसको यहाँ पे सेंटर में वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ स्पेस कम बचेगा ट्रेन बनाने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेशन पॉइंट लेंगे। ठीक है, और फिर हम ये लाइंस खींचना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपके पास प्लेटफॉर्म है। अब इस साइड यदि आपके पास एक स्टॉल है, ठीक, ये मैंने एक स्टॉल बनाया, चलो पूरे ही बना ले यहाँ तक। ठीक है, ये हमने ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलाया, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलाया, ये हमने एक स्टॉल बना दिया। ठीक, स्टॉल का बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, यदि स्टॉल के ऊपर कुछ वाटर टैंक या कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ मान लीजिए वाटर टैंक है इसके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि भाई उसका स्टॉल है कॉफ़ी। ठीक है, तो ये हमने वाटर टैंक बना दिया, हालांकि इसका ढक्कन तो दिखेगा नहीं फिर भी। ठीक, अब यहाँ पर बोर्ड के नीचे आपका काउंटर भी होगा, तो मैंने एक ही हाइट पर ये ओपनिंग बनाई। ठीक है, ये पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने, ये हमारा अंदर की ओर काउंटर बन गया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट से मिलाया, तो यहाँ की ओपनिंग भी हमारी बनके तैयार है। ठीक है, फिर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, फिर इस लाइन को मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और लाइन खींची, ये हमारा यहाँ का तैयार हो गया। अब स्वाभाविक है कि ये लाइन यहाँ कहीं है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इस साइड वाला सरफेस भी होगा। ठीक है, और ये साइड का सरफेस हो गया।
तो इस टाइप से हमने ये टी स्टॉल बना लिया। ठीक, अब इसके अंदर यदि कुछ फ्रिज वगैरह है, चूँकि सॉफ्ट ड्रिंक का वो है, तो हम यहाँ पे एक फ्रिज रखा हुआ दिखा देते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका सामान लगता है लगा दीजिए, जैसे कि लेस के पैकेट टंगे हुए हैं या और भी कई प्रकार के पैकेट्स टंगे हुए रहते हैं। जनरली जैसे स्टॉल पर पैकेट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बॉटल्स वॉटल्स रखी हैं कोल्ड ड्रिंक की, और जो भी लगता है आपको स्टॉल में होता है वो सारी चीज़ें रख दीजिए। यहाँ पे हल्का सा हम वो दिखा दे रहे हैं कॉफ़ी का वो। ठीक है, एक बंदा हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, और एक बंदा हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, बॉटल्स रखी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बना दीजिए। यहाँ नाम लिख दीजिए आप टी स्टॉल। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए टी, और जो भी आपको कुछ बनाना है यहाँ पे बना दीजिए, जैसा भी आप काउंटर बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, काउंटर बनाया। ठीक है, कहाँ, राइट हैंड साइड। अब हमें डिसाइड करना है कि ट्रेन कहाँ बनाना है। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम यही ट्रेन बनाते हैं, यहाँ ये प्लेटफॉर्म यहाँ ख़त्म कर देते हैं और हम ट्रेन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्रेन आपको कितनी बड़ी बनानी है ये आपको सोचना है। तो ट्रेन का प्रोपोर्शन देखना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ठीक है, कायदे से ये पॉइंट और नीचे होना था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले इंजन बनाएंगे सामने। ठीक है, और ऐसा लगता है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं प्लेटफॉर्म यहाँ। ठीक है, ये इंजन बनाएंगे हम, इंजन का ये पॉइंट हम उससे मिलाएंगे पॉइंट से। ठीक है, और ये इंजन कैसा होता है आपको पता ही है, एक लाइट यहाँ लगा होता है। ग्लास लगे होते हैं, सिंगल भी होता है डबल भी होता है। ठीक है, बस आपको इंजन कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने देखा हो कभी, बड़ी अच्छी बात है। सामने शॉकअप लगे होते हैं, देखे होंगे जो टकराए नहीं एक दूसरे डब्बे। यहाँ बीच में बोगी कनेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट होता है, देखा होगा शायद आपने, ध्यान दिया हो। फिर इसके नीचे जाली लगी होती है, यदि आपने ध्यान दिया हो तो।
ये दो फ्रंट ग्लास हैं जिसमें से देखते हैं ड्राइवर लोग। इसके ऊपर भी मैश लगी होती है, नेट लगी होती है स्टील की, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल यदि आपको पता है तो आप धीरे धीरे ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लगेगा। दोनों साइड और लाइट लगी होती हैं फ्रंट के लिए, ठीक है। कई प्रकार के इंजन हैं अभी फ़िलहाल तो इलेक्ट्रिक वाले, और यहाँ भी बीच में भी लाइट होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ तो आ रहा होगा आपको, और भी बहुत सारी डिटेल होती है। फिलहाल हम इतने ही समझ लें, उसके बाद इंजन का साइज आप डिसाइड कीजिए इतना बड़ा। फिर उसके बीच में गैप, क्योंकि दूसरा डब्बा लगाएंगे, फिर गैप, फिर तीसरा डब्बा, फिर गैप, फिर चौथा डब्बा, ठीक है। वैसे आपके डब्बे होंगे, अभी चूंकि ये कर्व में है तो इस साइड भी ये कर्व में ही होगा, ये कर्व में हमने मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर हल्के से चक्के दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, चक्के दिखाई देते हैं प्लेटफॉर्म से हल्के से। और फिर इसमें ये देखिए, यहाँ से इसी पॉइंट से हम ये यहाँ एक विंडो लगी होती है, ठीक, और उसी के बाजू में एक डोर लगा होता है। बाकी इसमें वेंटिलेटर ही होता है, इंजन में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस साइड भी एक गेट हो सकता है, दो गेट लगे रहते हैं, दोनों साइड रहता है कहीं। इस टाइप का इंजन होता है। फिर बोगी, अब देखिए ये तो ऐसे सीधी है, यहाँ से हम ऐसी हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल। हालांकि ये वाला पॉइंट यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फिर ये भी कर्व में है बोगी, यहाँ भी कर्व में दिखाई देगी, ठीक है। ये वाला भी कर्व में दिखाई देगा, यहाँ भी कर्व में और यहाँ भी कर्व में, ठीक है। मेरे ख्याल समझ तो आ रहा होगा आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल में हमने ये लाइन अंदर घुसाई, ये तो लास्ट बोगी बनी गई। अब इसको थोड़ा सा हम काला कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसमें भी क्या है कि डोर और विंडो बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमने एक विंडो बनाई, फिर डोर बनाया, ठीक। फिर यहाँ भी हमने एक डोर बनाया, फिर एक विंडो बनाई, फिर बहुत सारी विंडो बनाई, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो एलिमेंट है इसमें ऐड करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ट्रेन लगने लगेगी,
ठीक है, ऐसे ही इसमें बनाइए। जैसे जैसे वो पीछे पॉइंट के पास जाते जा रहे हैं चीज़ें एलिमेंट, वैसे वैसे छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ ही रहे होंगे कि क्या किया हुआ। ठीक है, तो ये ट्रेन हमने बना दी। अब ये चूँकि ट्रेन एकदम प्लेटफॉर्म पे ही है, तो नीचे की पटरी अपने को नहीं दिख रही इस साइड की, मगर इस साइड बाजू में यदि और भी पटरी होंगी तो हम दिखा कर और शो कर सकते हैं कि ठीक है। अब ये इसमें है पटरी में, देखते हैं ये डेप्थ है और ये ऊपर वाली पटरी है। ठीक है, डेप्थ भी दिखते जाएगी इसमें। ठीक, ये तो प्लेटफॉर्म पर चित्र, ठीक, वैसे कायदे से ये लाइनें ऐसी हॉरिजॉन्टल खींचना चाहिए। ठीक है, ये आपको ट्रेन का स्लीपर दिख रहा है। ठीक, स्लीपर भी ठीक होगा, ठीक है, ये स्लीपर की थिकनेस दिख रही है और यहाँ पे वो, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर हम बाउंड्री दिखा दे सकते हैं। फेंसिंग इसकी रेलवे स्टेशन की, ठीक, ये प्लेटफॉर्म बन गया। इसमें हम टाइल्स भी दिखा देते हैं। ठीक है, अभी हल्के हल्के हम लाइन खींच दे रहे हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ट्रेन बना दी। राइट साइड में हमने वो बना दिया। अब हम चाहें तो इसके ऊपर शेड बना सकते हैं, या नहीं भी बनाना चाहो तो किसी गांव का यदि होगा ये, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर शेड हो प्लेटफॉर्म में। ठीक है, फिर भी हम शेड बनाते हैं इसमें। जैसे हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं हम, ये वर्टिकल लाइन खींचनी है ऐसी। ठीक, इसके बाद ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाएंगे हम, ये हमने इस टाइप का शेड बनाया। ठीक है, ये ट्रस है, इसी ट्रस के ऊपर शेड लगा हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ तो आ रहा होगा आपको, आप बस समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर शेड बनाया है, अभी हम इसको डबल करेंगे।
ये वाले मेंबर को हमें डबल करना पड़ेगा, ठीक, कम से कम ठीक है। अब जो भी बीच में आ रहा है वो सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ये भी ट्रस है, अब इसमें ऐसे ऐसे बना के ये कॉलम दिखा सकते हैं स्टील का, इसको भी ट्रस ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ट्रस के आसपास प्लेटफॉर्म बना होता है उसका फाउंडेशन, मैं ये बना देता हूँ, फिर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये सामने से हमने इसका थिकनेस बना ली, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट उस पॉइंट से हम मिला देंगे अपने वैनिशिंग पॉइंट से, और ये पॉइंट भी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसकी थिकनेस ये हो गई। जितने एलिमेंट हैं वो प्लेटफॉर्म के वो आप पहचाने। उसके बाद एक हम यहाँ बना देते हैं, और एक हम पीछे बना देंगे, ठीक है। अब सेम ये पहले हम क्या करें, इसको मिला लें इस पॉइंट, ये मिलाया हमने, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ठीक है, समझ रहे होंगे। वैसे मैंने पॉइंट से ही मिलाया, बाकी तो कुछ किया नहीं है ऐसा। तो ये शेड हमारा ऐसा ऐसा मिला, यहाँ पर भी हमारा एक ट्रस लगा हुआ है और दूसरा ट्रस हमारा यहाँ लगा हुआ है, और अच्छे से बना सकते हैं आप। शेड है, शेड को तो हम काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, पर हमने अभी फ़िलहाल ऐसे ही बनाया हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि शेड कैसे बनाया। ये मेरा थोड़ा ठीक नहीं बना मेरे से, लेकिन आप लोग और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये ट्रेन बनाई, प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी। अच्छा, इसको और आगे हम खींच सकते हैं कि ये और कंटिन्यू में जा रहा है, ठीक है। ये यहीं एंड नहीं हुआ, ये और आगे चला जा रहा है, ठीक। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन समझ तो आ रहा होगा कि क्या किया हमने, ठीक है, कि ये और आगे तक चला गया। जैसे ये चीज़ें और आगे तक चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। तो इस टाइप से शेड बन जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट एक और आगे लगा होगा जिसके ऊपर ये बेस्ड होगा। और भी अच्छे से शेड बना सकते हैं, मैंने उतने अच्छे से बना नहीं पाया हूँ,
फिर इसमें हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं। देखो इंडिकेटर इसको भी बोलते हैं, और ट्रेन का इंडिकेटर वो भी होता है जैसे कि सिग्नल वगैरह, ठीक है। लेकिन ट्रेन इंडिकेटर में ट्रेन के नया नाम वाम वगैरह दिखाई देते हैं डिस्प्ले बोर्ड, इसको भी इंडिकेटर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम तो दोनों ही लगा देंगे। ये डिस्प्ले इसका लगा है, इसकी थिकनेस भी वहीं से हमें दिखेगी, ठीक है। ट्रेन नंबर 1 2 3 4 8 5 9 6 जो हमें ये हम लिख देंगे, है ना। और विकल्प समझ आ रहा होगा कि कैसे बना है। इनको डार्क कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन फिगर बनाने हैं हमको, ह्यूमन फिगर बनाइए कि लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन से उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, लोग खिड़कियों में बैठे भी हैं, ठीक है। ड्राइवर भी ठीक, छोटे छोटे पहले ह्यूमन फिगर बना लिया, फिर हम यहाँ भी बनाते हैं एक्टिविटी करते हुए। कुछ लोग कुछ, ये बंदा चल रहा है सूटकेस लेके, यहाँ खड़े हैं कुछ लोग, लेके चल रहा है कुली, कुछ बच्चे भी हैं, इस टाइप से आप यहाँ चाय लेने के लिए बंदे खड़े हैं, ये बंदा खड़ा है कुछ लेने के लिए, बच्चा भी है उसके साथ में, कुछ कर रहे हैं, है ना।
एक बंदा ठेला ले जा रहा है। सामान रखा हुआ है इसके ऊपर कुछ कुछ, ये नहीं जा रहा लोडिंग। कुछ लोग बैठे हुए हैं, लगेज रखा हुआ है, ऐसे करके मतलब डिटेल ऐड करते जाइए तो मेरे ख्याल से आपसे बनते जाएंगे सर। कुछ नहीं तो लोग आते जाते ही बना दीजिए। ठीक है, वैसे और ऐड करते जाइए, जितनी अच्छी पब्लिक यहाँ बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा ही है तो एक इंडिकेटर के नाम पे एक तो ये लगा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। एक डिस्प्ले यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन से समझेंगे, देखेंगे ये सारी चीज़ें आपसे और अच्छे से बनने लगेगी। अभी मेरे से भी उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन चूंकि एक आइडिया आपको देना था तो मैंने आइडिया दिया, ठीक है। अब यदि आप यहाँ कहीं से कैंची लाइट सोर्स यदि आप रखते हैं तो देन आप फिर उसको उसके हिसाब से रेंडर करेंगे, इस साइड वाला ब्राइट, फिर ये सारा थोड़ा मिड टोन का दिखाई देगा, हो सकता है कि इन लोगों की शेडो दिखने लगे किसी की, वैसे अंदर दिखेगी नहीं शेडो, ठीक है, फिर भी यदि आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ये थोड़ा खाली खाली एरिया लग रहा है तो यहाँ पे हम पेड़ लगा देते हैं, पेड़ बता देते हैं कि पेड़ लगे हुए हैं, स्टेशन के बाहर ही लगे हुए लेकिन लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन चलेगी कैसे भाई, ठीक है। ये जो बिजली के तार होते हैं तीन, वो है नहीं, जिससे ये टच होंगे, ठीक है, ये बिजली के तार भी बनाना ज़रूरी है भाई। तो ये तार आप बना दीजिएगा, मैं कुछ तार को उससे बना दूँ, इसके ऊपर का है वो इससे ही चलेगा, ठीक है। और ऐसे ही आप बनाइए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। अब मैं तो उतना अच्छे से बना नहीं पाया, लेकिन आप ज़रूर बनाएं। ये हम पेड़ कोशिश कर लें, उस साइड के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा गिट्टी विट्टी होगी यहाँ पे,
मिट्टी रहती है जो जी, वो ये हमारे प्लेटफॉर्म यहाँ तक है, ठीक है। बाकी तो टाइल्स लगी हैं आपको पता ही है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और भी कुछ समझ के आप बनाने की कोशिश करें, लेकिन यदि आपको स्टेशन बनाना है तो एक तरीका ये है। थैंक यू।